हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर एक नए वीडियो में। दोस्तों सब्या सावित्री विहार वाटर पार्क में जो सीतामढ़ी में है, और ये जो पार्क है दोस्तों आप लोगों को पुनौरा से लगभग 3-4 किलोमीटर आगे बगली तरफ है। तो देख सकते हैं इसका ये मेन गेट है, यानी कि एंट्री गेट ये हो गया। दोस्तों ये देख सकते हैं ये आगे का लुक है, जो देख सकते हैं ये मेन गेट का अंदर का लुक है ये। और अभी फिलहाल अंदर हम लोग जाने वाले हैं, तो चलिए बने रहे हैं और आगे आप लोगों को दिखाएंगे। और दोस्तों ये पार्क जो है आपको 9:30 बजे AM यानी सुबह में चालू होती है और 6 बजे शाम में बंद हो जाता है। और दोस्तों इसमें क्या होता है कि कितना फी लगते हैं, कितना रुपया लगता है, वो आप लोगों को जानकारी रहना चाहिए। तो चलिए जो मेन गेट पर आते हैं उनसे जानकारी लेते हैं। तो बने स्टूडियो में। वो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैन करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो। तो हम चलते हैं अंदर की तरफ, पार्क की तरफ चलते हैं। 18 बीघा में दोस्तों ये पार्क जो है 18 बीघा में है, चारों तरफ अभी ये है बहुत, और ये मतलब छोटा सा शहर में 18 बीघा बहुत ज़्यादा हो गया। तो देख सकते हैं इस तरफ अभी खाली है, देख सकते हैं। और पार्क जो है वहाँ पर आप लोग दिखाई देता होगा, चलिए अंदर चलते हैं। अभी भीड़ इतना नहीं है दोस्तों, क्योंकि अभी पार्क में वाटर पानी चेंज हुआ है। छोटा सा एकदम नॉर्मल, ज़्यादा बड़ा नहीं है। पटना की तरफ ऊपर से नहीं है, लेकिन सीतामढ़ी छोटे शहर में जैसा है वैसा ठीक है। हाँ देख रहे हैं, ये है ये छोटा सा सर, बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। सर ये बताइए कितना रुपये लगता है मतलब वाटर पार्क में जाने के लिए? 250 रुपये लगता है। और कितना देर के लिए लगता है? 2 घंटे। 2 घंटे के लिए क्या क्या यहाँ पर सेवा मतलब क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पर दिया गया है? व्यवस्था है स्विमिंग पूल में स्नान करने के लिए, फोटो अपना खींचे यानी 2 घंटा के लिए जी। अच्छी है अपना। और कब बंद रहता है? डेली चालू रहता है क्या? डेली चालू रहता है। तो दोस्तों आप लोग सुन रहे होइएगा कि डेली चालू रहता है, आप लोग आ सकते हैं वाटर पार्क में, और भी सीतामढ़ी में। सब्सक्राइब करो एस्केप एंड व्लॉग्स, प्लीज सब्सक्राइब।